एक सब्जी वाला है, सब्जी की पूरी दुकान साइकिल पर लगाकर घूमता रहता है। प्रभु उसका तकिया कलाम है। कोई पूछता, आलू कैसे दिए? 10 रुपए प्रभु। हरी धनिया कैसा है? बिल्कुल ताजा है प्रभु। वह सबको प्रभु कहकर पुकारता और लोग भी उसको प्रभु कहकर पुकारने लगे हैं। एक दिन उससे मैंने पूछा, तुम सबको प्रभु प्रभु क्यों कहते हो और लोग भी तुम्हें प्रभु कहकर क्यों बुलाते हैं? तुम्हारा कोई नाम है भी या नहीं? सब्जी वाले ने कहा, है ना प्रभु, मेरा नाम भयालाल है। प्रभु, मैं शुरू से अनपढ़ गवार हूँ। गांव में मजदूरी करता था। एक बार गांव में एक संत के प्रवचन हुए। प्रवचन मेरे पल्ले तो पड़े नहीं, लेकिन एक लाइन मेरा दिमाग में आकर फंस ही गई। उस संत ने कहा, हर इंसान में प्रभु का वास है, तलाशने की कोशिश तो करो, पता नहीं किस इंसान में मिल जाए और तुम्हारा उद्धार भी कर जाए। बस उस दिन से मैंने हर मिलने वाले को प्रभु की नज़र से देखना और पुकारना शुरू कर दिया। वाकई चमत्कार हो गया। दुनिया के लिए शैतान आदमी भी मेरे लिए प्रभु रूप हो गया। ऐसे दिन फिरे की मजदूरी से व्यापारी हो गया। सुख समृद्धि के साथ साधन जुड़ते गए। मेरे लिए तो सारी दुनिया ही प्रभु रूप बन गई। किसी से अच्छी बात करने से किसी का क्या जाता है? उसकी गजब की बात यह लगी, वह अनपढ़ होकर भी अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे शब्दों के कारण लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। इस देश में अनपढ़ होना समस्या नहीं है, बल्कि समस्या पढ़े लिखे लोगों से है, जो अपने अहंकार के वशीभूत होकर ना तो व्यापार अच्छे से करते हैं, ना बोल अच्छे से पाते हैं।